जी हाँ दोस्तों, डेविन कॉनवे आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो अकेले मैच जिता जाएंगे। वॉशिंगटन सुंदर हो चाहे हार्दिक पांड्या हो, सबको बराबर से मार पड़ रही थी। लेकिन उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा का बहुत ही सही फैसला, उमरान मलिक को बॉल देते और उमरान मलिक राउंड द विकेट आकर पूरी फुल पेस से बॉल डालते। और अब यहाँ देख सकते हैं कि जो बैट्समैन है वो थोड़ा ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है शॉट खेलते टाइम। आप यहाँ देख सकते हैं स्पीड से वो थोड़ा बहुत डर जाते और बॉल सीधा रोहित शर्मा के हाथ में जाती है। रोहित शर्मा भी बिना किसी गलती के बहुत ही आसानी से कैच पकड़ लेते और उसके बाद अब यहाँ पे उमरान मलिक का एग्रेशन देख सकते हैं, वो कितना ज़्यादा एग्रेशन दिखाते हैं क्योंकि उन्हें पहले स्टार्टिंग में मार पड़ती है लेकिन उसके बाद वो काफ़ी अच्छा कमबैक करते हैं और इंपॉर्टेंट टाइम पे वो डेविड कॉनवे का विकेट ले लेते हैं और इसी से भारत जो है मैच में वापस आ जाता है। तो आपको ये बॉलिंग उमरान मलिक कैसे लगी कमेंट में भी राय दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।